नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड लेबर लॉ कानून क्या बोलता है। कई बार आपने सुना होगा कि आपकी जो छुट्टियां होती हैं यूएई में, आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में और मान लीजिए साल की 10 छुट्टियां 12 छुट्टियां ऐसी होती हैं कि जिनमें आपको छुट्टी तो मिल जाती है लेकिन आपको कंपनी की तरफ से सैलरी नहीं मिलती। जी हाँ, और आपको ये लगता है कि यार क्या है, सैलरी नहीं मिली, आपको पता ही नहीं लगता कि भाई छुट्टियां हैं, आपको तो माइंड में ये घुसता है छुट्टी है लेकिन तनख्वाह का क्या। सरकारी छुट्टियों की मैं बात कर रहा हूं और अभी जैसे अभी आने वाली है जिसको ईद अल अदा बोलते हैं, जी हाँ साथियों हमारे यहाँ बकरीद बोल सकते हैं, उसका अभी जैसे आपकी छुट्टी पड़ेगी 2 दिन की, अभी जैसे छुट्टी पड़ेगी 3 दिन की, तो 3 दिन की तनख्वाह का क्या है भाई। तो आपके पास ये पूरा राइट बनता है कि जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, जो यूएई सरकार की तरफ से घोषणा होती है, उन छुट्टियों के दौरान आपको छुट्टी मिल जाती है। कई बार तो ये होता है कि छुट्टियों में आपसे काम भी करवा लिया जाता है, ठीक है, और उस काम करवाने का मतलब सैलरी डबल होना, लेकिन वो सिंगल में काम चला लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और होता ये है कि भाई जो सरकारी छुट्टी होती है वो कितनी साल में छुट्टी आती है, उसका आपको बिना काम किए बिना मेहनताना आपकी सैलरी आपको मिलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जैसे दुबई यूएई में आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मालिक के पास में आप काम कर रहे हैं, साल में कुछ छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, वो छुट्टियां मैं बता देता हूं आपको। 9 वर्ष हिजरी, जी हां साथियों, 9 वर्ष हिजरी की सरकारी छुट्टी होती है जिसमें आपको काम नहीं करना होता है, तनख्वाह आपको मिलेगी। जी हां साथियों, नए साल का दिन ईसाई, जी हां साथियों, ईसाई नए साल का दिन होता है, उसकी 1 दिन की छुट्टी होती है साल में, काम नहीं करना होता है, तनख्वाह मिलेगी आपको। ईद अल फितर, जी हाँ साथियों, जिसको ईद बोल सकते हैं, ईद में आपको पता है 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, सरकारी घोषणा 2 दिन की छुट्टियों की होती है, 2 दिन में आपको काम नहीं करना होता, सैलरी आपको मिलेगी। ईद अल अदा, जिसको बकरीद भी आप बोल सकते हैं, अभी आने वाली है, उसमें क्या होता है कि 3 दिन की आपकी छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टी की घोषणा होती है, काम आपको नहीं करना होता है, सैलरी आपको बिल्कुल मिलेगी। पैगंबर साहब का जो जन्मदिन होता है, जी हाँ साथियों, आपको पता है गल्फ कंट्रीज में कहीं पर भी, वहां पर आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और सैलरी बाकायदा मिलेगी आपको। राष्ट्रीय दिवस, जिसको बोल सकते हैं, जो कंट्री जिस दिन आजाद हुई है वो सरकारी छुट्टी होती है, काम नहीं करना होता है, सैलरी आपको मिलेगी आपको। तो साथियों टोटल अगर देखा जाए तो 10 छुट्टी साल में ऐसी होती हैं जिनमें आपको बिना काम किए हुए सैलरी मिलेगी। जी हां साथियों, आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, आप बाकायदा दुबई लेबर लॉ 1980 के हिसाब से देखा जाए तो आप इन छुट्टियों के हकदार हैं और छुट्टियों की सैलरी जो भी आपकी तनख्वाह बनती है वो भी हकदार है। बाय चांस आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो उनके खिलाफ आप अमीरात मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय अमीरात में, जी हां साथियों, आप उनके खिलाफ लिखित में शिकायत दे सकते हैं कि भाई हमारी ये छुट्टियां थी, हमसे काम करवाया गया या हमें छुट्टी दे दी गई लेकिन हमें सैलरी नहीं दी गई, तो उनके खिलाफ आप एक्शन लिया जा सकता है, 100% आपको सैलरी मिलेगी। समझ गए होंगे साथियों कि आपकी ये सरकारी छुट्टियां हैं, काम नहीं करने के साथ तनख्वाह लेने के हकदार हैं, जो दुबई का लेबर लॉ बोलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।